नवाज शरीफ के पास इमरान खान से हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, सुहेल वड़ाइच ने दो टोक बता दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच ने कहा, नवाज शरीफ के लिए इस वक्त दो बड़े चैलेंज हैं, एक इकोनॉमी का चैलेंज है और दूसरा सियासी चैलेंज है। नवाज शरीफ एक ऐसे पाकिस्तान में वापस आए हैं जिसमें नफरतें और खलीज इस कदर बढ़ी हुई है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। सीनियर सहाफी ने कहा, नवाज शरीफ या तो खुद एक फरीक बनकर इसी तरह मार धार शुरू कर दें जैसे पीटीआई करती थी, इससे मुआशरे में तकसीम मजीद गहरी हो जाएगी। आप ताकत से तो हुकूमत चला लेंगे क्योंकि आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट होगी, लेकिन मुआशरे के अंदर गहरे जख्म लगेंगे। दूसरा रास्ता ये है कि वो मुसालहत या पीटीआई को कोई रास्ता देंगे, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को रास्ता देना ही मुल्क को चलाने के लिए बेहतर होगा। सुहेल वड़ाइच ने मजीद कहा, सियासी मुफाहमत के अलावा पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वैसे ही इमरान खान के साथ भी उसी तरह का चार्टर होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या कोई सियासी पार्टी पीटीआई से सियासी इतिहाद करेगी?